हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक सम चैनल। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम बनाने जा रहे हैं प्रॉन्स घी रोस्ट या फिर प्रॉन्स फ्राई। ये बहुत ही अच्छी डिश है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए जीरा, कोरिएंडर और काली मिरी और राई, फेनल सीड्स, मेथी थोड़ा सा और कड़ी पत्ता। इन सारे चीज़ों को हमें हल्के से ऑयल में फ्राई करके लेना है। ऑयल बहुत ही कम लिया हुआ है, उसमें इसे अच्छी तरह से फ्राई करके लेना है। इसके बाद हमें इसे दरदरा पीसना है। पहले इसे अच्छी तरीके से हल्के से कलर चेंज होने तक फ्राई करना है, जैसे कि आप देख सकते हो। इसके बाद मैंने इसे पीस लिया है, ये दरदरा पीस लिया है। इसके बाद मैं एक कढ़ाई में घी लूँगी। घी गर्म होते ही उसमें मैं प्रॉन्स ऐड कर दूँगी। प्रॉन्स को ऑलरेडी मैंने नमक और हल्दी के साथ मैरिनेट किया हुआ है। आप इसमें अदरक लहसुन पेस्ट भी डाल सकते हो मैरिनेट के टाइम पे, बट मैं इसमें ये थोड़ा सा पकने के बाद अभी मैं अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर दूँगी और फिर से इसे फ्राई कर लूँगी। इसमें आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसी के पानी से आप अच्छे से पका सकते हो। ये थोड़ा पकने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी लाल मिर्ची पाउडर और हल्का सा गरम मसाला पाउडर, ज़्यादा नहीं ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और जो हमने पाउडर बना के रखा हुआ था वो मैं ऐड कर दूँगी। आप तीखा अपने हिसाब से देख के ऐड कर दीजिएगा। अब ये मैं ऐड करने के बाद इसे अच्छे से फ्राई करके लूँगी। घी आप ऐड करोगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और इसके बाद मैं इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर रही हूँ। कड़ी पत्ते के बाद इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है बहुत टाइम तक, और आप देख सकते हो ये हमारा प्रॉन्स फ्राई रेडी है और ये बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। इसे आप 2 से 4 दिन तक रख सकते हो, बिकॉज हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया हुआ है। तो आप इसे बनाना ट्राई कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।